हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर कैलेंडर की प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी हम लोग कैलेंडर का क्वेश्चन करेंगे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होगा कि हम ऑड डे का पता लगाएं, जो बीच में डेज आ रहे हैं। जैसे आज का दिन गिवन है मुझे और आगे का या इसके पीछे का कोई दिन मुझे बताना है, तो उनके बीच में कितने विषम दिवस आ रहे हैं उनकी संख्या निकालेंगे पहले हम लोग। और विषम दिवस क्या होते हैं, जैसे मुझे ये बताना है वन ईयर नॉर्मल कोई ईयर है उसमें 365 डेज होंगे, तो अगर इसमें हमें विषम दिन निकालना है तो किससे डिवाइड कर लेंगे, 7 से। यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पर 7 7 5 35 एक बचेगा 15, 7 2 14 यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना होता है लीप ईयर है या नहीं है, तो लीप ईयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला 2008, ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से कम्प्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर होगा, जैसे कि ये कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 5 20 2 4 2 8, ये कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 2008 क्या रहा होगा, एक लीप ईयर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं 2022 की, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 4 5 20 बीच में 0 आ जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2022 क्या है, लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 18 फरवरी 2005 और बताना कब है, 18 फरवरी 2007। डेट चेंज नहीं है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है कि डेट नहीं चेंज है। 18 फरवरी 2005 से बीच में 18 फरवरी 2006 पड़ेगा। क्या 2005 जो है लीप ईयर है, नहीं है। 2006 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी लीप ईयर नहीं है। 2007 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो बीच में 2005 से 2006 पहुँचे नॉर्मल ईयर है, 2006 से 2007 पहुँचे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो नॉर्मल ईयर होता है सामान्य वर्ष इन नॉर्मल ईयर ऑड डे इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया जब नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ईयर है, तो इन 2 ईयर कितना हो जाएगा, इन 2 ईयर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दिन क्या गिवन था मुझे, फ्राइडे, शुक्रवार है, तो इसी में ऑड डे क्या कर देंगे, आगे का बताना है तो ऐड कर देंगे, बैक साइड का बताना होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइडे प्लस 2, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आप लोगों को। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, संडे, यानी कि रविवार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, कोई भी ईयर है उसमें 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त इस दिन क्या पड़ रहा है, गुरुवार, गुरुवार यानी कि थर्सडे, तो कह रहे हैं इस मंथ में सोमवार कितने होंगे, ठीक है। तो 25 को अगर थर्सडे है तो सोमवार कब पड़ेगा, अगर मैं नॉर्मली जो डेज होते हैं, सोमवार को 1 माना जाता है, मंगलवार को 2 माना जाता है, बुधवार को 3 माना जाता है, बृहस्पतिवार को 4 माना जाता है, 4 से 1 पे पहुंचना है तो -3 करेंगे, -3 यानी कि इधर भी -3 कर देंगे, तो कहां पर आ जाएंगे, 22 को, यानी इसमें 22 को क्या पड़ा होगा, सोमवार, 22 को क्या पड़ा होगा, सोमवार, तो 22 को सोमवार पड़ा होगा, तो 22 से पहले सोमवार कब पड़ा होगा, 22 से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो जब -7 करेंगे तो कितना, 15 को पड़ा होगा एक सोमवार 15 को, 15 से 7 माइनस करेंगे तो एक सोमवार कब पड़ेगा, 8 को पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन बाद डे रिपीट हो जाता है, 8 से 7 माइनस करेंगे तो एक किस दिन सोमवार पड़ा होगा, 1 तारीख को, ठीक है, अगस्त की 1 तारीख को क्या पड़ा होगा, सोमवार पड़ा होगा। अब इधर अगर मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है, 22, तो 22 के बाद आगे जाना है तो 22 प्लस 7
एक सोमवार का पड़ा होगा, 22/7 29 को पड़ा होगा, 29 में 7 ऐड करेंगे तो हम लोग अगले महीने पहुंच जाएंगे, तो काउंट नहीं करना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। हमें एक डे निकाल लेना है बस, चाहे थर्सडे के आगे वाला निकाल लो, कि थर्सडे 4 है तो कितना आ जाएगा, 5 6 7, ठीक है, और आठवां दिन पड़ेगा यानी प्लस 4, तो कितना पड़ जाएगा, 25 + 4 29, उसके बाद बैक चले जाओ, ठीक है। तो जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक सोमवार बस निकाल लो किस डेट को पड़ रहा है, फिर बाकी अगर पीछे जाना है तो -7, आगे जाना है तो +7, बस इतना ध्यान रहे कि नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना है और पीछे बैक मंथ में नहीं जाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, कह रहे हैं यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, ठीक है, तो यहां पर शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो देखो फ्राइडे है, फ्राइडे से 3 डेज पहले, ठीक है, तो फ्राइडे का नंबर कितना होता है, 5 होता है, 5 - 3 कितना आएगा, 2, और 2 किसका होता है, मंगलवार, मंगलवार। अब यहाँ बोला क्या गया है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, और मंगलवार को कौन सी तारीख है, 7 तारीख, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 7 तो इधर हो चुके हैं, 19 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, और जो 12 बचा है इसको क्या कर लेंगे हम लोग, या फिर ऐसे कर लो कि ये 7 को मंगलवार हो गया, ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 19 है, 19 में कितना आ जाएगा, 19, ये 7 तारीख है, इधर कितने दिवस बचे हैं, 12, 19 - 7, एक मिनट, 19 - 7 12 आ जाएगा, 12 में 8 डे निकाल लो, 7 + 7 यानी कि 5, रिमाइंडर कितना आया, 5, यही 8 डे हो जाएंगे, आगे जाना है तो इसी में मंगलवार में क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब मंगलवार में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। मुझे क्या गिवन था, शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, मंगलवार को कितनी तारीख है, 7 तारीख है, हमें 19 को बताना है, तो 7 तक तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 19 - 7 कितना बचा, 12 बचा, 12 में 8 डे देखा मैंने, 5 आ रहा है, मंगलवार में 5 ऐड कर दिया, आंसर मिल गया हमें रविवार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, अप्रैल महीना है यानी कि 1 अप्रैल, क्या है इस दिन, वेडनेसडे है, ठीक है, बोला क्या गया है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसी में हमें बताना है 1 मई को, तो अप्रैल से मई जा रहे हैं, ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 30 दिन, एक या तो हम काउंट करेंगे इधर से कंप्लीट डेज, या तो अगर इधर से हम इसको 1 को काउंट करते चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएंगे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, क्योंकि 1 मई को तो हमें बताना ही है, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 * 4 = 28, 2 आ जाएगा, यही क्या हो जाएंगे, विषम दिवस, ठीक है, विषम दिवस क्या किए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, तो वेडनेसडे प्लस 2 कितना हो जाएगा, वेडनेसडे और इसके बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फ्राइडे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल से 1 मई बताना है, बीच में कितने दिन आएंगे, 30 दिन, 30 दिन में 8 डे निकाल लिया, 2 आ गए, 2 ऐड कर दिया मैंने वेडनेसडे में, बस कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो लिखने वाला भी नहीं था, आराम से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 5th क्या है, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, 19 जनवरी 2018, तो यहाँ देखो 19 जनवरी 2018 कौन सा दिन था, फ्राइडे था, ये लिख लिया मैंने, फ्राइडे था, 19 जून 2019 इस दिन हमें क्या करना है, बताना है, तो देखो 19 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो 19 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, 19 इसमें से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, तो इधर कितने बचेंगे, 20 और 1 10 2 12 12, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम लोग 8 डेज निकालेंगे, देखो 19 जनवरी से 19 जून तक की बात है, तो 19 जनवरी के बाद कितने दिन बचे, 19 जनवरी के बाद जनवरी 31 की होती है हमारे पास, तो 19 जनवरी के बाद 20 और 10 30 1 31 यानी कि कितने दिन बचे, 12 दिन बचे जनवरी, फरवरी 28 की होती है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, और जून में कितने दिन लेते हैं, 19 तक, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 7 = 5, 12, 7 × 28 = 0, 7 × 28 = 3, 7 × 28 = 2, 7 × 28, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, 7 × 28 = 3, 7 × 2 = 14, 5, यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 3 = 8, 2 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 5 = 18, 18 को जब 7 से दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर 7 से रिमाइंडर जो है 7 से ऊपर जा रहा है तो उसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, 7 × 2 = 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। जब रिमाइंडर 4 आएगा तो हमारे पास क्या था, फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 4, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं इसे, फ्राइडे प्लस 4 कितना आ जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूसडे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे ऑड डे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, कल के बाद का दिन, तो ये हो गया हम लोगों के पास प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कल के बाद का दिन मतलब +1 +1, ठीक है, कितना क्या है, थर्सडे है, तो ये इधर आके -2 हो जाएगा, तो थर्सडे से जब -2 करेंगे तो यानी कि टुडे यानी कि प्रेजेंट डे, इस दिन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे। अब बोला क्या जा रहा है, तो कल से 2 दिन पहले का क्या दिन था, कल से 2 दिन पहले, इससे बैक साइड जाएंगे, ठीक है, पहले और कल से 2 दिन पहले, 2 यानी कि 2 + 1 = 3, तो ट्यूसडे से कितना माइनस करेंगे, 3, तो एक दिन माइनस जाएंगे, तो सोमवार, फिर संडे, फिर सैटरडे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार या सैटरडे, ठीक। हमसे बोला गया था कल के बाद का दिन, ठीक है, कल के बाद का दिन यानी आज से 2 दिन के बाद की बात की जा रही, तो आज से 2 दिन बाद अगर गुरुवार है तो आज का दिन कौन सा होगा, मंगलवार। फिर हमसे बैक में पूछा जा रहा है कि कल के बाद 2 दिन पहले क्या दिन था, तो कल यानी कि 1 हो गया और उसके पहले 2 दिन यानी टोटल 3 दिन, तो 3 दिन माइनस जाना है, तो ट्यूसडे -3 क्या आ जाएगा, शनिवार या सैटरडे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, ठीक है, वो 9 दिन पहले गई थी, यानी कि अगर हम आज की बात करें टुडे, आज से 9 दिन पहले यानी -9, उस दिन क्या रहा होगा, बृहस्पति, क्योंकि वो केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो उस दिन बृहस्पति रहा होगा। तो अगर हमें आज के दिन की बात करें टुडे, यानी आज के दिन की बात करें, तो इधर थर्सडे, थर्सडे में कितना ऐड हो जाएगा, 9, तो 7 तो इसमें से हटा दो, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना ऐड करना है, फाइनली थर्सडे +2, यानी कि थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन कौन होगा, महीने का 10वां दिन, ठीक है, यानी कि अगर हम 10th डे ऑफ मंथ की बात करें, 10th डे क्या है हमारे पास, शनिवार, ठीक है, शनिवार, कह रहे हैं इस महीने का 27वां दिन, ठीक है, तो 10 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 27वां दिन मतलब कितने दिन बचे हुए हैं, 17 दिन, 17 दिन में अगर हम 8 डे निकालें तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, +3, यानी शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ डेज, अच्छा ये 2 ईयर दिए गए हैं, मतलब इनके बीच हमें दिनों की संख्या बतानी की कितनी आएगी, ठीक है, तो देखो 26/1/1996, 26/1/1996 और बताना कितना है, 15/5/1996, ठीक है, 15/5/1996, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 26/1 की बात हो रही है, यानी 26 जनवरी, और बोला गया है कि दोनों दिनों का समावेश कर लेना है और 15/5 तक जाना है, तो 26 के बाद अगर मैं जनवरी की बात करता हूँ, क्योंकि पहला महीना है, तो 26/31 की होती, 26/5/31, तो कितना बचा, 5 और 1 = 6, तो यहाँ पर अगर हम जनवरी की बात करें,
26 को इंक्लूड करके कितने दिन बचे हैं, 6। और अगर हम 96 की बात करें, ठीक है, तो ये कैसा है, एक लीप ईयर है, क्योंकि 1996 जो है ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8 वन बचेगा, 4 4 16, ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर हो जाएगा तो फरवरी में कितने दिन आ जाएंगे, 28 दिन आ जाएंगे, और मार्च में फरवरी में कितने दिन आ जाएंगे, 29, क्योंकि लीप ईयर हो चुका है। नॉर्मल तो 28 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितने होते हैं, 31, अप्रैल में कितने होते हैं, 30, और मई में कितने होते हैं, मई 15, फिफ्थ मंथ तो लेना ही है मई, तो यहाँ पर कितने दिन लेने हैं, 15 दिन, बस इन्हीं को ऐड कर लेना है। कितना आ जाएगा, 6 प्लस 29, 9 6 15, यानी कि 35, 35 प्लस 31, और इधर से 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45, इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10 11, ठीक है, और 4 3 7 3 10 11, यानी कि 111। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो दिन पूछा गया है उन दोनों, जो डेट्स गिवन है उन दोनों को भी क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन क्या था, सोमवार था, तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहां पर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 1990 को प्रथम दिन, यानी कि 1 जनवरी 1990 की बात की जा रही है, 1 जनवरी 1990 की कौन सा दिन था, मंडे था, यानी कि सोमवार था। बताना कब है, 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी, इसको इधर लिख ले रहा हूँ, 1998 को हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अब देखो, 1 जनवरी 1990, जब 1 जनवरी 1990 से हम लोग आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 1 जनवरी 1991, 90 लीप ईयर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 94 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं 98 के बीच में। तो 90 से 91 नहीं है, 92, 92 हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 92 की बात करूँ, 1992 का ये 4 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 4 2 8 4 3 12, जो लीप ईयर है हमेशा 4 साल बाद रिपीट होता है, यानी इसके बाद लीप ईयर कौन सा पड़ेगा 1992 के बाद, 1996। जो लीप ईयर होता है हमेशा 4 साल बाद क्या करता है, रिपीट करता है, तो ये 1996 हो जाएगा। 1996 बाद अगर मैं 4 साल रिपीट करूँगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें लेना केवल 1998 तक है, तो उसके आगे 2 लीप ईयर आ गए। ठीक है, तो अब अगर हम 90 से 91 की बात करें तो नॉर्मल ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1। ठीक है, 90 से 91, 91 से 92, 92 के बीच में कितने आ जाएंगे, 1। फिर जब 92 से 93 के बीच देखेंगे तो 92 क्या है, लीप ईयर है, इसलिए कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 90 से 91, 91 से 92, 92 से 93, फिर 93 से 94 के बीच फिर से एक आ जाएगा। ठीक है, ये 91 का हो गया, ये 92 तक हो गया, ये 93 तक हो गया, ये 94, फिर अगला 95 तक जाएगा, यहाँ पर भी एक, फिर अगला 96 तक जाएगा, यहाँ पर भी एक, जो 97 में आएगा यहाँ पर 2 आ जाएंगे, फिर 98 तक लेना है तो कितना हो जाएगा, 1। ये लास्ट वाला 98, क्योंकि 98 तक हमें जाना है। कितने अड्डे हो गए, 1 2 2 2 4 1 5 6 7 2 9 1 10, यानी कि 10 अपॉन 10, 7 से ग्रेटर, इसलिए 7 से एक बार दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये ऑड डे आ गए हमारे पास, 3 ऑड डे आ गए, और उस दिन कौन सा था, मंडे था, तो मंडे प्लस 3 कितना आ जाएगा, मंडे प्लस 3, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि गुरुवार, कितना आ जाएगा, गुरुवार या थर्सडे, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, राम जो है वो श्याम से 315 दिन बड़ा है, यानी कि अगर मैं राम और श्याम की बात करूं, राम और ये हो गए श्याम, राम जो है श्याम से कितना दिन बड़ा है, 315 दिन, यानी इनका जन्म पहले हुआ होगा। ठीक है, इनका जन्म पहले हुआ होगा, तो इनको अगर इधर से इनके इक्वल लाना है तो इनमें 315 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 315, और फिर आगे क्या गिवन है पढ़ देते हैं पहले। कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, कृष्ण जो है, कृष्ण ये राम से क्या है, 70 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर कृष्ण को राम के बराबर लाना है, ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, एक मिनट
यहाँ पर इसको इधर से हटा लो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका, रुको मैं बताता हूँ फिर से। जितना अंतर होता है, जो जो बड़ा होता है वो अंतर होता है सीधे सीधे, ठीक है। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, यानी श्याम और राम की एज में डिफरेंस कितना है, 315 दिन, ठीक है। और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, कृष्ण राम से, जो कृष्ण है वो राम से 70 सप्ताह बड़ा है, तो राम माइनस कृष्ण, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 70 वीक। 70 वीक को अगर मैं डे में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, 70 × 7 days। अब ये बोला गया है कि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, कृष्ण का जन्म कब हुआ है, बुधवार, बुधवार। तो देखो इस कृष्ण का जन्म कब हुआ है, बुधवार, ये बुधवार इधर जाके क्या ऐड हो जाएगा, ऐड होने का मतलब है यहाँ पर हम ऑड डे निकालेंगे उतने देर हम बुधवार में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑड डे निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 7 × 70 और 7 × 7 अगर कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर कितने जीरो, जीरो ऑड डे आ जाएंगे। और अगर जीरो ऑड डे आने का मतलब ये होता है कि सेम दिन पड़ा होगा, जीरो ऑड डे आने का मतलब होता है कि दिन जो होगा वो सेम रहा होगा, तो राम का जन्म भी किस दिन हो जाएगा, बुधवार। जब ऑड डे जीरो आ गए इसलिए राम का जन्म भी किस दिन हो जाएगा, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। अब राम का जन्म बुधवार को हुआ है तो ये जाके इधर ऐड होगा 315 में, इधर वेडनेसडे, तो यहाँ पर ऑड डे निकालेंगे। तो अगर हम 315 को चेक करते हैं 7 से डिवाइड करके, तो ये भी मैं देख रहा हूँ 7 × 28 = 7 × 25 = 35, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो ऑड डे। तो जीरो ऑड डे होने का फिर से मतलब हो गया कि दिन सेम रहा होगा, यानी कि श्याम का जन्म भी किस दिन हुआ होगा, बुधवार को, ठीक है। श्याम का जन्म भी किस दिन हुआ होगा, बुधवार को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी, सबसे पहले आप ऑड डे निकाल के चेक करते, सब जगह जीरो आ रहा था, दिन तीनों का क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है, किसी महीने का 10वां दिन क्या होता है, शनिवार, ठीक है, 10th डे क्या है, सैटरडे, तो महीने का 27वां दिन होगा। 6 क्वेश्चन तो हमको लग रहा है अलग अलग परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया, तो देख लो आप, UPSC को क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 10वां दिन बताना है, यानी 27वां दिन बताना है, 27वां दिन का मतलब क्या है, यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं, ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं, तो बचे 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, तो सैटरडे प्लस 3 कितना हो जाएगा, सैटरडे प्लस 3, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 23वीं तारीख को क्या हो गया, संडे हो गया, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह का मतलब कितने दिन हुए, 14 दिन, और उससे भी 4 दिन पहले, यानी कि टोटल 18 दिन पीछे कौन सा दिन था, 18 दिन पीछे जा रहे हैं, यानी संडे माइनस 18 करेंगे, और 18 का मतलब इसमें ऑड डे निकाल लेंगे, 7 × 14 कितना बचा, संडे, संडे माइनस 4, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा, तो संडे माइनस 4 जाने का मतलब क्या है, अगर आप पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो देखो हमेशा ऑड डे और जो मिला के बनता है 7 बनता है, तो अगर इसमें से मैं माइनस 4 कर रहा हूँ तो इसमें मैं माइनस 4 कीजिए क्या कर सकता हूँ, प्लस 3 भी कर सकता हूँ, तो संडे प्लस 3 क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, और अगर आप पीछे भी जाओगे तब भी वेडनेसडे ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं संडे से माइनस करता हूँ तो संडे से पहले क्या आया होगा, सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे, माइनस 4 हो गया। जैसे कि अगर मुझे कहीं माइनस 5 पीछे जाना है तो माइनस 5 पीछे जाने का मतलब मैं कितना, प्लस 2 क्या कर लूँ, आगे कर लूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, बीते कल के पहले वाला दिन, तो हम टुडे की बात करते हैं, ठीक है, बीते कल के पहले वाला दिन, यानी आज से जो कल बीत चुका है उसके पहले वाला दिन, यानी कितना पीछे जा रहा है, माइनस 2 डेज, क्या था, सैटरडे था, ठीक है, ठीक है, यानी कि आज कौन सा दिन होगा, टुडे की बात करें तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे, और ये प्लस 2 इधर आ जाएगा, यानी संडे, मंडे, तो आज कौन सा दिन होगा, मंडे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आने वाले कल के बाद वाला दिन, यानी आज मंडे है तो इसके आने वाला जो कल है, यानी कि एक दिन उसके बाद वाला दिन, यानी कितना, प्लस 2,
तो मंडे प्लस डू कितना हो जाएगा, ट्यूजडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महीने का प्रथम दिन बुधवार है, महीने का प्रथम दिन क्या है, बुधवार है। ठीक है, फर्स्ट डे क्या हो गया, वेडनेसडे। क्वेश्चन क्या है यहां पर, महीने का प्रथम दिन बुधवार है, ठीक है, तो फर्स्ट डे क्या हो गया, वेडनेसडे। फिर क्या बोला गया है, एक कोई कार्यालय है वहां केवल दूसरे और चौथे शनिवार को और सभी संडे को छुट्टी रहती है, तो हमें बताना है कि उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी है अगर महीना 30 दिन का हो। तो देखो, अगर पहले दिन वेडनेसडे है तो संडे कब पड़ेगा भाई, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि प्लस फोर करना पड़ेगा, तो यानी एक के बाद पाँच तारीख को क्या पड़ेगा, पहला संडे पड़ जाएगा। पाँच तारीख को पहला संडे पड़ गया तो अगला संडे कब पड़ेगा, इसमें सात ऐड कर देंगे, यानी अगला संडे कब पड़ेगा, बारह को। ठीक है, तो यहाँ पर अगला संडे हो गया बारह को, तो एक छुट्टी ये हो गई, एक छुट्टी ये हो गई, लेकिन ये दूसरा संडे है तो इससे पहले जो शनिवार पड़ा होगा वो दूसरा शनिवार होगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले एक सैटरडे पड़ा होगा उसकी भी एक छुट्टी काउंट कर लेंगे, तो यहाँ से तीन हो गए। अब अगला संडे कब पड़ेगा, पाँच के बाद बारह, बारह के बाद बारह पाँच कितना हो जाएगा, सॉरी बारह सात उन्नीस, उन्नीस को अगला संडे पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड है तो यहाँ पर सैटरडे लेना नहीं है। उन्नीस के बाद अगला संडे कब पड़ेगा, छब्बीस को पड़ेगा, तो ये हो गया छब्बीस। ये चौथा संडे इसलिए इसके पहले का सैटरडे भी ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन डे ये हो गया, वन डे ये हो गया, वन डे ये हो गया। छब्बीस के आगे जा नहीं सकते क्योंकि महीना तीस दिन का है और आगे जा भी नहीं सकते, नेक्स्ट मंथ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कितने दिन निकल गए छुट्टी वाले, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो तीस दिन का महीना है, इसमें से छः दिन क्या निकल गए छुट्टी, तो कितने बचे वर्किंग डे, 24। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हाल ही के एग्जाम में जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे क्लॉक से रिलेटेड, सॉरी कैलेंडर से रिलेटेड, वो हमने कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।